अच्छे की नई खबरों के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ। आज जो है हम चर्चा करेंगे मजदूरों की, माइग्रेंट लेबर्स की, और प्रवासी मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को जा रहे हैं। दरअसल इन मजदूरों की व्यथा ये है कि आज ट्रांसपोर्ट बंद है, कामकाज बंद हो चुका है, और न तो उनके पास पैसा है और न ही घर तक जाने का साधन। काम बंद होने से, नौकरी चले जाने से न तो उनको पैसा मिल पा रहा है, न ही काम मिल पा रहा है। तो गांव जाना एक आतरा है, शायद अपने घर जाएं तो भोजन की समस्या हल हो जाएगी, आराम से रह लेंगे, अपने आशियाने में होंगे, किराया भी नहीं देना होगा। लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये है कि न तो उनके लिए वाहन उपलब्ध है, न ट्रेन उपलब्ध है, न ही सरकार ने समुचित व्यवस्थाओं के साथ उन्हें घर पहुंचाने का पहले से प्रबंध किया। सरकारें जागी लेकिन घटनाओं के बाद, एक घटना औरैया में हुई जिसमें एक डीसीएम जैसे ट्रक में कुछ लोग बिहार जा रहे थे, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी थे, उसमें दो ट्रकों के ओर में करीब रात 3:30 बजे टकराने से 24 मजदूरों की जान चली गई, करीब 35 मजदूर घायल हो गए। और इस घटना ने निश्चित तौर पर आम आदमी, राजनीतिक दल या हमारे देश के लोगों का एक मन जो था उसको चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाई, धक्का भी लगा। इस बीच में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आगे आई और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 1000 बसों की व्यवस्था की उन्होंने, और उत्तर प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि वो उसे अनुमति दें जिससे कि जो बॉर्डर पे इकट्ठा हुए मजदूर हैं। दरअसल इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सारे बॉर्डर से आने वाले मजदूरों को बॉर्डर पे रोकने का आदेश दिया और डीएम्स को ये कहा कि हर डीएम के पास 200 बसें उपलब्ध होंगी, मतलब 75 जिलों के डीएम्स के पास में 200 के हिसाब से 15,000 बसें उपलब्ध होंगी, और इन्हीं बसों के उपयोग करते हुए जो मजदूर भी प्रदेश में प्रवेश करेंगे उन्हें उन बॉर्डर से लेकर के उनके गृह जनपद तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इसमें एक राजनीति भी हुई, थोड़ा उठापटक कह सकते हैं, पहले परमिशन नहीं दी गई राज्य सरकार द्वारा, अल्टीमेटली कांग्रेस की पार्टी ने अपने दबाव का इस्तेमाल किया, मुद्दा बनाया इसको। जब ये मीडिया में चलने लगा तो एक दिन के बाद प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 बसों की लिस्ट मांगी जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव को प्रेषित कर किया गया एक पत्र कि वो उनकी सूची दे, ड्राइवर और रजिस्ट्रेशन की भी गाड़ियों की सूची दे। उन गाड़ियों को बाद में परमिट किया गया और वो प्रदेश के उन मजदूरों को जो कि बॉर्डर्स पर वेट कर रहे थे उनको लेकर के अब गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले जो घटनाक्रम हुए उन्होंने एक ध्यान खींचा कि भाई इन मजदूरों का ख्याल कौन रखेगा, और उसके लिए एक संवेदना की आवश्यकता है। सरकार, डीएम या जो भी इसको हैंडल करने वाले लोग हैं जो कि इन मजदूरों का ख्याल रखें और उनको सही समय पर सही जगह तक पहुंचाएं। ठीक है, कोविड-19 का एक दौर है, उसमें संकट है, लेकिन इस संकट से जूझना भी हमारा काम है। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेगी, उनके घर तक पहुंचाएगी और आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेगी कोविड से लड़ने के लिए। धन्यवाद, फिर हम आपसे मिलेंगे आने वाले अंक में। नमस्कार।